बाड़मेर में पत्नी की सड़क हादसे में मौत के बाद दिव्यांग सरकारी टीचर और उसके ड्राइवर पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मृतका के पियर पक्ष का आरोप है कि दामाद और उसके ड्राइवर ने साजिश के तहत एक्सीडेंट का रूप देकर उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के बेरीवाला तालाब गांव के पास की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल सीकर जिले का निवासी दिव्यांग टीचर सुदानंद बाड़मेर जिले के सांझटा की सरकारी स्कूल में कार्यरत है। टीचर की पत्नी 20 सितंबर की रात्रि को गांव से रवाना होकर 21 सितंबर की सुबह बाड़मेर पहुंची थी, जिसे लाने के लिए दिव्यांग टीचर ने ड्राइवर को भेजा था। ड्राइवर टीचर की पत्नी पूजा को अल्टो कार में बिठाकर सांता की ओर निकला ही था कि बीच रास्ते में बेरीवाला तला गांव के पास अल्टो कार बेकाबू होकर खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में टीचर की 30 वर्षीय पत्नी पूजा की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अल्टो ड्राइवर गंभीर घायल हो गया, जिसका इलाज बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में रखकर मृतका के पियर पक्ष को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक पियर पक्ष का कहना है कि टीचर पति सुदानंद और उसकी पत्नी पूजा के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। कुछ समय पहले ही दोनों के बीच राजीनामा भी हुआ था। इसके बाद से ही पूजा अपने पति के साथ रह रही थी। पियर पक्ष को आशंका है कि सुदानंद ने ड्राइवर के साथ मिलकर साजिश के तहत अपनी पत्नी की हत्या करवा दी है। इस हत्या को हादसे का रूप देने के लिए एक्सीडेंट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये हादसा था या कोई सुनियोजित हत्या। क्या कुछ पुलिस के अधिकारी ने कहा, सुनिए। कल जो सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पूजा सदानंद जी की वाइफ है, जो कि टीचर है, उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम परिजनों के आने तक उन्होंने रुकवा रखा था। आज पूजा के जो परिजन पीहर वाले आए और उन्होंने संदेह जाहिर किया है, उनकी रिपोर्ट जो है वो ले ली है और जो पूर्व से दर्ज प्रकरण है उसमें शामिल पत्रावली कर दी गई है। अधिकारियों के निर्देशानुसार बोर्ड से मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया जाकर पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी जो है परिजनों को हैंडओवर की गई है। परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो भी तथ्य हैं, उनके बारे में विस्तृत और गंभीरता के साथ अनुसंधान किया जा रहा है। मौके पर FSL की टीम को भी बुलवाया गया और FSL की टीम ने भी मौके पर मुआयना किया जाकर और वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी के अनुरूप पुलिस कार्रवाई करेगी। परिजनों ने तो यही कि उसका डिस्प्यूट था अपने पति से, 7-8 साल हो गए शादी को और कभी वो लेकर नहीं गया, और अभी कुछ दिनों पहले ही उनके आपस में थोड़ा सा समझौता भी हुआ। उनका ये था कि भाई ये दुर्घटना का रूप दिया गया है, जबकि वास्तव में ये दुर्घटना नहीं है।